दोस्तों, अगर आप YouTube पर वीडियो बनाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सस्ता सेटअप कैसे बनाएं। और मैंने हाल ही में एक ब्लैक पर्दा परचेस किया हुआ है, उसका अनबॉक्सिंग भी दिखाएंगे, कैसा पर्दा है, कितने का प्राइस है, ठीक है, और वो अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो आपको कितने का पड़ेगा, सारा कुछ इस वीडियो में बताऊँगा। कैसा क्वालिटी है, ठीक है, और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट तो नहीं है, ऐसा आपका डाउट होगा तो ये सारे डाउट भी क्लियर करूंगा। और आपको बताऊंगा कि स्टार्टिंग में अगर आप YouTube पर वीडियो बनाते हैं तो क्या आपको ब्लैक पर्दा लेना चाहिए या फिर स्टार्टिंग से ही आपको अपना सेटअप बनाना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा। अगर आप एक नए क्रिएटर हैं, देखो स्टार्टिंग में फ्रेंड्स आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में आपको ऐसे ही वीडियो बनानी है, ज़्यादा कुछ आपको ये नहीं सोचना कि मेरे पास अच्छा कैमरा हो, अच्छा सेटअप हो, तभी हम यूट्यूब पे वीडियो बना सकते हैं। शुरुआत आप कहीं से भी कर सकते हो, चाहे आपके पास ब्लैक पर्दा हो या फिर ना हो, आप आउटडोर में भी वीडियो शूट कर सकते हो और अपना वीडियो बनाकर यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हो। अगर आपका वीडियो एक भी वायरल हो जाता है तो उससे आपका चैनल मोनेटाइज होगा और धीरे धीरे आपकी अर्निंग होना स्टार्ट हो जाएगी और फिर आप अपना सेटअप भी बना सकते हो। तो इसी तरीके से मैंने भी सोचा कि मुझे अभी सेटअप बनाना ठीक नहीं लग रहा है, तो मैंने एक ब्लैक पर्दा परचेस कर लिया। जैसा कि आपको पता है, मैं काफ़ी दिनों से ब्लैक टाइप का पर्दा, लेकिन वो पर्दा नहीं था, वो एक चादर थी जो मैंने लगा के वीडियो शूट कर रहा था। और फाइनली आज मैंने अमेजोन से एक ब्लैक पर्दा परचेस किया है, वो भी कितने का है, 400 रुपये का है। दिखाता हूँ कैसी क्वालिटी है। तो अभी आप लोग देखेंगे, ये कुछ इस तरीके से पैकिंग में था, मैंने ओपन करके वहीं देखा था कि ब्लैक पर्दा किस टाइप का है, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना बड़ा है। और अभी आप देखेंगे तो ये मैंने कुछ इस तरीके से सेटअप में पर्दा लगा रखा है, ठीक है। इसको हटाएंगे और ऐड करने के बाद हमारा जो बैकग्राउंड है, अभी आप देखो कुछ ऐसा दिख रहा है, लेकिन इस ब्लैक पर्दे को लगाने के बाद में हमारा बैकग्राउंड कैसा दिखेगा, ठीक है, तो वो भी दिखाऊंगा। तो वीडियो ध्यान से देखना, पूरा देखना, लाइक ज़रूर करना दोस्तों, क्योंकि आप लोगों के एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी और भी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता रहूं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से हम जो है ना ब्लैक पर्दे को ओपन करते हैं। तो गाइज़ मैं आपको ऐसे ही ओपन करके दिखा देता हूँ। देखिए मैंने यहाँ से इस तरीके से ओपन कर लिया यहाँ पर, और इसको निकालते हैं तो ये देखो ये पन्नी है, ठीक है, जिसमें कि ये रखा हुआ था, और ये साथ में एक इसके सुरक्षा के लिए एक थैला भी मिल जाता है, वो भी लो क्वालिटी का है, ज़्यादा अच्छा नहीं है। चलो ये रख देते हैं। और ये हमारा ब्लैक पर्दा जो कि पन्नी के अंदर पैक है। अभी आप देखो ये रहा ब्लैक पर्दा, ये कुछ ऐसा है देखिए, और मैं पास से दिखाता हूँ आपको। देखो ये इस तरीके का है, ये अभी 2-3 इस तरीके से एक में है, लेकिन ये काफ़ी ट्रांसपेरेंट होता है गाइस। अभी आपको साइड से मैं दिखाता हूँ, ये देखो मेरा फेस इजीली दिख रहा होगा ना ऐसे, ये काफ़ी ट्रांसपेरेंट है। तो ये क्या करना है आपको, यहाँ पे डबल ऐड करना है। अगर आप इसको डबल ऐड करेंगे या फिर आप पीछे की साइड, मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरीके से आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद क्या करना है, इसको बहुत लंबा पर्दा है, देखो ये देखो इस साइड से इसकी लेंथ भी बहुत है, मैंने बड़ा वाला परचेस किया था, ये बहुत बड़ा पर्दा है। और ये अगर आप सिंगल लगाएंगे तो ये ट्रांसपेरेंट है, ये देखो एक लगाएंगे ना ट्रांसपेरेंट है, इजीली मैं दिखूंगा। लेकिन अगर आप इस तरीके से दीवार पे इस तरीके से लगाएंगे तो ये बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं दिखेगा। मैं आपको अभी लगा के दिखाता हूँ कैसे आपको लगाना है। तो फाइनली आप लोग देख सकते हो मैंने पर्दे को हटा दिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्लैक पर्दा को ऐड करेंगे, उसके बाद में देखते हैं कि हमारी वीडियो का जो बैकग्राउंड है वो फाइनल बैकग्राउंड निकल के कैसा आता है। अभी देखने में उतना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन जब मैं ब्लैक पर्दे को ऐड करूँगा तो उसके बाद में वीडियो कैसा लगता है देखने में, ठीक है, तो वो चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मैं अपना जो ब्लैक पर्दा मैंने अमेजोन से परचेस किया है उसको मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ। तो फाइनली दोस्तों मैंने अपना ब्लैक पर्दा ऐड कर लिया है, और अब आप देख सकते हो कि बैकग्राउंड कैसा दिख रहा है, पहले वीडियो कैसा दिख रहा था और अब कैसा दिख रहा है वीडियो, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। और हाँ गाइस, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अभी मेरा लाइटिंग का उतना अच्छा सेटअप नहीं है, मैं यहाँ पर अगर लाइटिंग भी लगा लेता हूँ, जैसे RGB लाइट हो गई या फिर RGB लाइट का जो बल्ब आता है वो मैं अगर ऐड करूँगा, साइड में अगर यहाँ इस साइड में भी एक लगा लेता हूँ, इस साइड में भी एक लगा लेता हूँ नीचे की साइड, तो मेरा
ये ना इस साइड में लाइटिंग का जो फोकस आएगा तो मेरा फेस भी यहाँ पे कैमरे में बहुत अच्छा सा दिखाई देगा एक साइड से, मतलब एक सिनेमेटिक टाइप का वीडियो बन जाएगा और इसके बाद में आपका वीडियो काफ़ी कमाल का लगेगा। तो आप लोग भी ब्लैक पर्दा परचेस करना चाहते हो तो ये आपको अमेजोन पे 400 रुपये का मिलेगा, मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप लोग को अगर परचेस करना है तो डिस्क्रिप्शन में जा करके और इस ब्लैक पर्दे को परचेस कर सकते हो। क्वालिटी में दोस्तों ये सही है, मतलब उतना अच्छा नहीं है तो उतना ख़राब भी नहीं है, लेकिन हाँ आप एक प्रॉपर वीडियो बना सकते हो और आपका काम चलता रहेगा। जैसा कि अभी आप देख सकते हो मेरा जो वीडियो है वो कुछ इस टाइप से शूट हो रहा है, अभी आप देख ही सकते हो, और पहले मैंने कैसे शूट किया था तो वो तो आपने देखा ही होगा। तो यहाँ पे वीडियो का क्वालिटी भी ठीक ठाक आता है और अच्छा सा एकदम वीडियो बनेगा आपका, कोई पहचान नहीं पाएगा कि आपका जो वीडियो है वो एकदम बेकार सा है, मतलब ठीक ठाक वीडियो बनेगा। तो अगर आप नए क्रिएटर हैं तो मैं आपसे यही सजेशन करूँगा कि आप ब्लैक पर्दे को परचेस करके स्टार्ट करो और उसके बाद में जैसे जैसे आपका वीडियो चलता जाएगा, आपका चैनल ग्रो होता जाएगा और आप यूट्यूब से पैसा अर्न करने लगेंगे तो फिर आप अपना सेटअप भी बनाइएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सबसे पहला जो स्टार्टिंग करना है वो ब्लैक पर्दे से स्टार्टिंग करना है, 400 का मिलता है, इजीली आप परचेस कर सकते हो, ठीक है। कैसे भी करके आपको एक बार परचेस कर लेना है, उसके बाद में आप इसी से वीडियो बनाओ, आपका अच्छा वीडियो बनेगा। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत हेल्प ज़रूर मिली होगी, और आप लोग का काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि भाई ब्लैक पर्दा कितने का मिलता है और क्वालिटी कैसा है, तो मैंने आपको दिखा दिया। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना फ्रेंड्स अगर पसंद आई हो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे हेल्पफुल कॉन्टेंट देखने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।